यार हम आ गए हैं महाकालेश्वर मंदिर। हमने बुक की है कि शयन आरती, भस्म आरती तो नहीं हो पाएगी तो, लेकिन शयन आरती हम करने जा रहे हैं अटेंड। भस्म आरती के लिए यार लाइन में लगना पड़ेगा और 24 घंटे पहले होती है, या फिर ऑनलाइन करो जिसकी एक महीने पहले बुकिंग होती है। सात बज चुके हैं और अभिलाष अभी तक सो रहा है। मेरे को उठो अभी 10-15 मिनट हुए हैं। प्लान ये था 6:30 बजे उठेंगे और भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। 7 बज गए। फाइनली उठ गया अभिलाष। 12 बजे सो गए थे। आज थर्ड डे है, थोड़ी थोड़ी थकावट घुसनी शुरू हो गई है शरीर में, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर राइडर 33। होप एवरीवन इज फिट फाइन एंड हेल्दी। आज हमारा राइड का थर्ड डे और हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो जैसे कल आपने देखा दर्शन करने जा रहे हैं, अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हुए और 12 बजे के करीब आके सो गए। अभी 7 बजे उठे हैं और अब जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर उज्जैन से है लगभग 130-140 किलोमीटर, 3-4 घंटे लगने वाले हैं। तो उसके बाद हमें एंटर करना है महाराष्ट्र औरंगाबाद। सो औरंगाबाद में है कृष्णेश्वर मंदिर, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर से कृष्णेश्वर जो है वो कम से कम 8-9 घंटे का रास्ता है, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं। वापस आते आते 9 बज जाएंगे, फिर निकलते निकलते 10 बज जाएंगे। बस सामान पैक करना है, सामान बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ है। सोच के घबराहट हो रही है यार कि इसको सामान को पैक कैसे करेंगे। राइड का सबसे बड़ा पेन सामान को रीपैक करना है और लगाना है, और अभी तो बहुत इजी है क्योंकि मेरे पैनियर्स हैं। बस पैनियर्स में पैकेट अंदर डालो, लॉक करो और उसके ऊपर जाके लगा दो। जहां सैडल बैग और ये सब बांधने पड़ते हैं ना सैडल स्टेज, वो बड़ी मुसीबत है यार, बहुत पेन है वो। तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूर याद से। इतनी लंबी राइड कभी करी नहीं है और कभी भी राइड करते हुए मैंने वीडियोस पहले कभी बनाए नहीं है, तो अभी मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तो देखते हैं, आज तो नहीं कल से शायद शुरू करूंगा। तो यार थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर लेते हैं, सही रहेगा। यहाँ से निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। अभी हमने डिसाइड किया कि हम ओमकारेश्वर में रुकेंगे क्योंकि यार काम भी करना है साथ में, और इसको भी एक मीटिंग है 4:30-5 बजे की। हर हर महादेव। इसके साथ ही हम महाकाल को बाय बोलते हैं और हम चलते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ जो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर यहाँ से दिखा रहा है 137 किलोमीटर, टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 1:40 PM। पेट्रोल डलवाना है अभी। यहाँ पे सबसे महंगा पेट्रोल है इंडिया में, 109 रुपए ना, 1000 कर दो पूरा। देखो कितनी हरियाली है यार, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इतना मस्त रोड है ये। और मौसम देखो कैसा हो रखा है, हल्की हल्की जो है बूंदा बांदी ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। आज है प्रेडिक्शन की बारिश होगी 1-2 बजे के आसपास। तो हम सिर्फ और सिर्फ मात्र 110 किलोमीटर दूर हैं ओमकारेश्वर जी से। और कल यार इतना मस्त दर्शन हुए ना, इतना इजी दर्शन हुए, मैं बता नहीं सकता आपको कि एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस हिसाब से लोग बोलते हैं भीड़ होती है, हालांकि हमने एक प्रोटोकॉल के थ्रू लिया था, उसमें हम आगे बैठे जो नंदी वाला एरिया है ना वहाँ बैठे थे हम, और एकदम जबरदस्त शयन आरती देखी हमने।
रोंगटे खड़े हो गए। ये म्यूजिक जो बजता है और लोगों के जो इमोशनल हो गए यार थोड़ा लोगों के जो जयकारे लग रहे थे एक्सपेक्टेड नहीं था। ज्यादा मिल जाता है कई बारी सोचा नहीं था कभी। उनकी प्रतिमा ऐसी छिप गई है आंखों में मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे वही नजर आ रही है सॉरी मैं रोक नहीं पा रहा हूं यार अपने आप को। और आज सुबह गए वहां पे भी खाली था काल भैरव। हमेशा जितना मांगा ना उससे ज्यादा ही मिला यार हमेशा। कभी मांगा नहीं था कि भगवान से कि बाइक चाहिए। कभी मांगा नहीं था कि इतना सब घूमना है। पूरा इंडिया देख रहे बट फिर भी मिला। सॉरी यार थोड़ा इमोशनल हो गया। वैसे भी उनका नाम आता है ना तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ये कोई पावर प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा। शायद अभी कहीं रुक के अगर बारिश तेज हुई तो रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो हाँ जी हमने इंदौर क्रॉस कर लिया है। इंदौर क्रॉस करके आगे एक लेफ्ट टर्न आता है। इंदौर से कोई 10 किलोमीटर आगे है वो लेफ्ट टर्न वाली रोड पे ले लिया है जो सीधा ओमकारेश्वर मंदिर लेके जाती है। हमने अपनी राइड के कंप्लीट कर लिए हैं 928 किलोमीटर। वाओ। और टाइम हो गया है 12:35, 2:20 पे पहुंच जाएंगे। बारिश आ गई थी यार बीच में इसलिए ना कैमरा उतारना पड़ा तो बीच की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे मौसम एकदम साफ हो गया है ना बादल है ना बारिश का कोई आसार है। तो हमने वही डिसाइड किया था जैसे मैं बात बता रहा था आपको सुबह कि शायद हम ओमकारेश्वर रुकेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे कृष्णेश्वर। तो एग्जैक्टली यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 40 मिनट्स। 2:10 अराइवल टाइम है। बीच बीच में डाइवर्जन हैं थोड़ी बहुत रोड बन रही है पता नहीं कब बनेगी। 2 साल पहले शायद अभिलाष भी आया था वो कहता तब भी रोड ऐसे थी आज भी ऐसे ही है। तो होपफुली बन जानी चाहिए रोड जल्दी। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि 99% रास्ता तो साफ ही है सारा। ये होने जा रहा है हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग इस राइड का। यहाँ से कितना 14-15 किलोमीटर रह गया बस। ओनली 12 किलोमीटर। क्या रोड बनी हुई है यार एकदम सीधी रोड।